और जय बजरंग बली, जय हनुमान जी। हिम्मत देना, सहारा देना, निकलते चले जाएं, पहुंच जाएं दिल्ली। कल 104 था, आज 105। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे जहां पर भी होंगे। तो काफी टाइम से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, बहुत समय हो गया है जहां से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं दिया, और कई सारे लोगों ने पूछा कि क्या हो गया है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। अच्छा लगता है जब आप कभी ये चिंता जाहिर करते हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, या कुछ लोग तो हैं जो देख रहे हैं और इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था वो शायद आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने नई हिमालयन मोटरसाइकिल खरीदी थी, शायद जो लास्ट वीडियो था कि जब मैं अपनी नई हिमालयन को लेकर के और प्रयागराज से दिल्ली के लिए अपने घर के लिए जब चला था, वो वीडियो शायद लास्ट था। उसके बाद से मैं कहीं गायब नहीं हुआ, बस ये था कि मैं थोड़ा सा एक दो दिन का ब्रेक लेना चाहता था क्योंकि दुर्गा पूजा थी, घर पे कुछ फेस्टिवल्स थे, मेरा बर्थडे भी था। ये मेरे बर्थडे की सरप्राइज पार्टी, और अभी 12 बजने में 5 मिनट बचे हैं कि जैसे ही हमारा बर्थडे बीता, उसके बाद से थोड़ा सा बीमार हो गए थे, थोड़ा सा बुखार आ गया था, वायरल आ चुका था। एक मैंने टूर भी मैंने किया इस बीच में, जो मैंने सोचा था कि मैं पूरा डॉक्यूमेंट करूंगा, सारे वीडियोज बनाऊंगा उसका डे बाई डे। बट गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज सोचा था कि एक राइड करेंगे, एक लंबी राइड। रात में मुझे ऐसा लगा कि फीवर, क्योंकि थोड़ा सा ठंड लग रही थी, कोल्ड महसूस हो रहा था, शिवरिंग भी हो रही थी। तो अभी सुबह उठा है, एक टैबलेट खाई है, थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अपनी राइड ये कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि मैंने कोई राइड प्लान करी हो और मेरी तबीयत बिगड़ गई हो। पहली बार ये हुआ है। पहले चेन लूप कर लेते हैं। सामान बांध दिया है गाड़ी पर, थोड़ी वीकनेस ही लग रही है, पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर हम चलेंगे तो शायद तबीयत अपने आप रास्ते पर आ जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। बाय बाबू, सी यू। दिल्ली से निकले, हापुड़ क्रॉस हो गया, मुरादाबाद क्रॉस हो गया, गढ़मुक्तेश्वर वगैरह सब कुछ क्रॉस हो गया। तो अभी बरेली 106 किलोमीटर और है। तबीयत बहुत अच्छी नहीं महसूस हो रही है, धीरे धीरे चलते रहते हैं। हालात बहुत गंभीर हैं, बुखार हो रहा है, फीवर आ रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, पूरा बदन गर्म हो रहा है। अभी शाहजहाँपुर पहुँचने वाले हैं, शाहजहाँपुर लगभग 70 किलोमीटर है, बरेली अभी भी क्रॉस किया है, और मुरादाबाद के बाद जो उसने अंदर घुमाया है ना, क्योंकि नदी का पानी बढ़ गया था, जिसकी वजह से रामपुर से बरेली वाला जो, मुरादाबाद से रामपुर वाला जो रास्ता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी वजह से रूट डाइवर्ट कर दिया गया। एक होता है नेशनल हाईवे, एक होता है स्टेट हाईवे, एक होता है गांव का हाईवे, एक होता है गड्ढा भरो हाईवे। बाप रे बाप, पूरी बॉडी जवाब दे गई है, और बुखार भी था, मुझे थोड़ा ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है। खाते हैं दाल तड़का और रोटी और फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनली अपने गांव पहुंच आए हैं। बस थोड़ा सा घर पहुंचने से पहले रुक गए, और सामने गांव है। आज है 24 तारीख, 24 अक्टूबर, और जब से मैं दिल्ली से निकला था, दिल्ली को मैं निकला था 20 अक्टूबर को, 20, 21, 22, 23, तबीयत बहुत ही ख़राब रही है। आज ऐसा दिन है जिसमें मुझे महसूस हो रहा है कि आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, और सुबह उठ के मैं खुद से तैयार हो गया, पानी टच करने पर भी कोई ठंड नहीं लगी। तो आज निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं वापस दिल्ली की तरफ, क्योंकि जो भी छोटे छोटे काम थे वो सारे काम हो गए, पासपोर्ट ऑफिस में भी काम हो गया, हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट भी आ गई है। समय हो चुका है 7:04, और जय बजरंग बली, जय हनुमान जी। हिम्मत देना, सहारा देना, निकलते चले जाएं, पहुंच जाएं दिल्ली। आज तबीयत बहुत 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 बेटर है, आज तबीयत मतलब क्या बताएं, बहुत बढ़िया।
आज कितना हो गया 105, कल 104 था, आज 105। रिकॉर्ड तो मैं करता था थोड़ा थोड़ा सा, जैसे हिम्मत होती थी, जैसे तबीयत थोड़ी सी ठीक लगती थी तो मैं रिकॉर्ड करता था। लेकिन सच में वाकई में तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बुखार आ रहा था, कमज़ोरी महसूस हो रही थी कि मैंने कुछ सोचा कि रेस्ट देते हैं अपने आप को भी और वीडियोस को भी, अपने ऑडियंस को भी थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। लेकिन अब वो रेस्ट का समय हो चुका है ख़त्म, ये आज से ही शुरू होगा। तो आज जो आप देख रहे हैं ये आप, ये मैंने अपने वीडियोस पीछे बनाए थे और अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो, और आज काफ़ी दिनों बाद इस पर काम करके अच्छा लगा, मज़ा आया एडिटिंग करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।